वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए ज्योग्राफी भूगोल से रिलेटेड 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कशन किया जाएगा। यह टेस्ट नंबर 5 है। यदि आपने टेस्ट 1, 2, 4 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आदिम जनजाति एबोरिजिनल्स ट्राइब्स निम्न में से किस प्रदेश के मूल निवासियों को कहते हैं? ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है एशिया। इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से किसके मूल निवासियों को एबोरिजिनल्स ट्राइब्स आदिम जनजाति कहते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को आदिम जनजाति एबोरिजिनल्स ट्राइब्स कहते हैं। आदिम जनजाति एबोरिजिनल्स ट्राइब्स ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है सकाई जापान, ऑप्शन बी है बद्दू किनिया, ऑप्शन सी है सेमांग कांगो और ऑप्शन डी है मसाई पूर्वी अफ्रीका। इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मसाई पूर्वी अफ्रीका। यह युग्म सही सुमेलित है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, मसाई पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि पर रहते हैं। ये प्रमुख रूप से पशुपालक कृषक होते हैं। इनके निवास स्थल में किनिया, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेश सम्मिलित हैं। सेमांग तथा सकाई मलेशिया प्रायद्वीप के रहने वाले हैं, जबकि बद्दू सऊदी अरब की जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? ऑप्शन ए है सिजविक, ऑप्शन बी है डाल्टन, ऑप्शन सी है एडवर्ड विट और ऑप्शन डी है मार्थस। इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या ऑप्टिमम पॉपुलेशन वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डाल्टन। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, डाल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या ऑप्टिमम पॉपुलेशन वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। किसी प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का वर्तमान प्राविधिकीय के अनुसार पूर्ण विकास करने तथा उसके उपभोग के लिए आवश्यक एक निश्चित जनसंख्या जिसे उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त होता है अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या मॉडल का सर्वप्रथम प्रतिपादन ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन कैनन द्वारा किया गया था। उनके विचार को लोकप्रिय बनाने का श्रेय डाल्टन, रॉबिन्सन तथा कार सैंडर्स को है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नगरीय गांव अर्बन विलेज
प्रायः पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है श्रीलंका में, ऑप्शन बी है भारत में, ऑप्शन सी है यूएसए में, ऑप्शन डी है चीन में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसए में। नगरीय गांव अर्बन विलेज प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है, नॉर्थ कोयला क्षेत्र किस देश में है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है हॉलैंड, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है बेल्जियम। इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से किस देश में नॉर्थ कोयला क्षेत्र है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। नॉर्थ पेस डे केलेस कोयला क्षेत्र फ्रांस में अवस्थित है। इसके अलावा फ्रांस के लॉरेन और ब्लेंजी क्षेत्र भी कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत फेटर, ऑप्शन बी है न्यूनतम लागत सिद्धांत वेबर, ऑप्शन सी है संशोधित बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत स्मिथ और ऑप्शन डी है संशोधित न्यूनतम लागत सिद्धांत लॉस। इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ उद्योग अवस्थिति का सिद्धांत और दूसरी तरफ प्रतिपादक का नाम दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संशोधित न्यूनतम लागत सिद्धांत लॉस। यह युग्म सही सुमेलित नहीं है। संशोधित न्यूनतम लागत सिद्धांत हूवर ने दिया था, न कि लॉस ने, जबकि अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत फेटर ने दिया था, न्यूनतम लागत सिद्धांत वेबर ने दिया था, संशोधित बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत स्मिथ ने दिया था और संशोधित न्यूनतम लागत सिद्धांत हूवर ने दिया था, न कि लॉस ने। इसलिए यह युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। तो देखिए, बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत फेटर ने दिया था, न्यूनतम लागत सिद्धांत वेबर, संशोधित बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत स्मिथ और संशोधित न्यूनतम लागत सिद्धांत हूवर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित में से विश्व के किस क्षेत्र में चाय का उत्पादन नहीं होता है? ऑप्शन ए है कोस्टारिका, ऑप्शन बी है कैंडी बेसिन, ऑप्शन सी है सिक्यांग घाटी और ऑप्शन डी है नीलगिरी। इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से किसमें चाय का उत्पादन नहीं होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोस्टारिका। कोस्टारिका में चाय का उत्पादन नहीं होता है। तो देखिए, चाय की खेती श्रीलंका के कैंडी बेसिन, चीन के सिक्यांग घाटी तथा भारत के नीलगिरी क्षेत्र में होती है, जबकि कोस्टारिका में चाय की खेती नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एस्टेंसिया है। ऑप्शन ए है मलेशिया के बागान फार्म, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारिक अन्न फार्म,
ऑप्शन सी है ब्राज़ील में छोटी भू संपत्ति, और ऑप्शन डी है अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म। इस क्वेश्चन में बताना है कि स्टेंसियस से क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म। अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म को स्टेंसियस से कहते हैं। तो देखिए अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म को स्टेंसियस या एस्टांसिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है वियतनाम, और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया आसियान का सदस्य नहीं है, जबकि थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया आसियान के सदस्य हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, यह आसियान का सदस्य नहीं है। दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों के संगठन आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। आसियान के 10 सदस्य देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। तो आसियान के कुल 10 सदस्य देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये कुल 10 आसियान के सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है मॉस्को, ऑप्शन बी है मिंस्क, ऑप्शन सी है लेनिनग्राद और ऑप्शन डी है इरकुटस्क। इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्थान ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर स्थित नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिंस्क। मिंस्क ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर स्थित नहीं है, जबकि मॉस्को, लेनिनग्राद और इरकुटस्क ट्रांस साइबेरियन मार्ग पर स्थित हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिंस्क। मिंस्क ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर स्थित नहीं है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है, जो रूस के पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर पूर्व में व्लादिवोस्तोक तक है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर स्थित कुछ प्रमुख स्थान हैं, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, चेलियाबिंस्क, एकातेरिनबर्ग, इरकुटस्क और व्लादिवोस्तोक। तो ये थे आज के 10 इम्पॉर्टेंट MCQs। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।